नगर पालिका नाहन द्वारा शहर में दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इन सीसीटीवी कैमरे की मदद से खुले में कूड़ा फेंकने वाले तीन लोगों के चालान भी काटे गए। नगर पालिका नाहन के कार्यकारी अधिकारी संजय तोमर ने बताया कि एनजीटी के आदेशों के बाद शहर को डस्टबिन फ्री किया गया है, परंतु शहर के कई स्थानों पर लोगों द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा है, जिस पर नजर रखने के लिए डीसी सिरमौर ने सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मद्देनजर शहर में फिलहाल दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन सीसीटीवी कैमरे की मदद से खुले में कूड़ा फेंकने वाले तीन लोगों के चालान भी काटे गए हैं, साथ ही एक व्यक्ति को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में कुल 13 से 14 ऐसे हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर लोग खुले में कूड़ा फेंकते हैं। इन 14 स्थानों में से दो स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जिसमें गुन्नू घाट चौक और ऐतिहासिक चौगान मैदान शामिल है। फ्यूचर में हम सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे कूड़े के हॉटस्पॉट है वहां पे कूड़े लगाए जाए, कूड़े के लिए कैमरेज लगाए जाए। लगभग हमारे 13 से 14 हॉटस्पॉट है जो की पूरे शहर में है हमारे पास, उसमें से दो जगह हमने कवर कर ली हैं, तो अब लगभग 10 से 11 के बीच हमारे हॉटस्पॉट है जहां पर हमारा कैमरा लगाने का प्रयास रहेगा। अभी हमारे पास दो जो हमारे स्थल थे वहां पे निर्देश दिए गए थे कैमराज लगाने के लिए, जिसमें हमारे दोनों जगह पर कैमराज लग चुके हैं। एक हमारा पीपल का पॉइंट जो नियर चौगान के पास है, और दूसरा गुन्नू घाट, वहां पर भी लग चुका है दोनों जगह कैमरा। पहले भी ऐसे जिन व्यक्तियों के वीडियोज या फोटोज वायरल हुई हैं उनके चलान किए गए हैं। पहले हमने ऐसे तीन लोगों के चलान किए हैं, अभी रिसेंटली हमारे पास एक और वीडियो जो वायरल हुई है वो प्राप्त हुई है, तो उसके लिए भी हमने नोटिस उनको जारी कर दिया गया है, और उनसे मतलब शो कॉज नोटिस टाइप दिया है कि आप इसका अपना जवाब दें, क्योंकि उनसे जो वार्तालाप हुआ उसमें उन्होंने कहा कि ये मेरे घर के पास किसी ने कूड़ा फेंका था तो मैं उसको वहां पे रख रहा था। तो अब देखते हैं, उसमें आगामी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं, और जैसा भी उसमें रिपोर्ट फाइंड आती है अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो उनको अगेंस्ट चलान इशू किया जाएगा।